संबंधी मार रहा है। तो इधर हो रहा है हमारा एक्शन कैम चार्ज, आई थिंक पूरा चार्ज हो चुका है। हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रेंड्स ऑफ शो, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश ब्लॉग। और आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा नया एंगल ट्राई किया जाए, एक एंगल से थोड़ा बोर हो गए थे तो नया एंगल ट्राई किया, तो आज थोड़ा सा नया एंगल है। और अभी का सीन क्या है, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 और डेट है 28th ऑफ दिसंबर, और ये एक्शन कैम फुली चार्ज हो चुका है। और एक्शन कैम चार्ज क्यों किया, इसके पीछे की जो वजह है काफ़ी ज़्यादा शानदार नहीं है, सिंपल सी वजह है। आज मैं जाने वाला हूँ कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवाने के लिए, और जो पहली डोज थी वो मेरी लगी थी 27th ऑफ सेप्टेम्बर को, और आज जाके फाइनली मतलब मैं फुली वैक्सीनेटेड हो जाऊँगा। और अभी का सीन क्या है कि जो हॉस्पिटल वो करीब 6 बजे बंद हो जाता है, और अभी ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, तो हमारे पास बस 2 घंटे पहुँचना भी है, और पता नहीं मतलब क्या कैसे क्या है, तो अभी सीधे निकलते हैं। और एक चीज़ और है, अभी नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही तगड़ी वीडियो आने वाली है, तो बस वीडियो में आगे आपको मतलब लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप की वीडियो होने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी सीधे निकलते हैं और सीधे मिलते हैं आपको अपने मोटो ब्लॉग में। हेलो 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 एवरीवन, दिस इज सौरभ शर्मा दी मोटो जॉकी, स्वागत करता हूँ आपका मेरे फ्रेश न्यू मोटो ब्लॉग में। तो अगर मौसम की जाए तो मौसम भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही तगड़ी ठंड पड़ रही है यहाँ पे, और अभी बहुत ही तगड़ी भीड़ लगी हुई है क्योंकि हमारे सूत्रों के हवाले से पता चला है नहीं नहीं मुझे पता था, यहाँ पे बीजेपी की रैली हुई थी, जेपी नड्डा साहब आए थे, तो इस चक्कर में बहुत ही तगड़ी भीड़ है यहाँ पे। और अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, अभी का जो टेम्परेचर होगा मैंने चेक नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे अंदाज अनुसार यहाँ का जो भी टेम्परेचर होगा करीब करीब 10 से 12 डिग्री है, और सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। और अभी सीन क्या है कि अभी मतलब 2-4 ही मोटो ब्लॉग किया था और स्टार्ट ही किया था, थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट किया था, और बीच में इतना लंबा गैप हो गया था, इस चक्कर में अभी बोलने से पहले काफ़ी सोचना पड़ रहा है कि क्या बोलना है। वरना कुछ टाइम पहले जब मैं सीरीज जब ट्रिप थी हमारी केदारनाथ ट्रिप से वापस आया था तो अच्छा खासा बोल रहा था मैं, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बहुत ईजीली सब कुछ बोल रहा था, लेकिन बीच में इतना बड़ा गैप हो गया कि फिर से बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना आप लोग यार, और हल्के हल्के सही हो जाएगा। अभी उससे भी अच्छा आया। हाँ जी, तो अभी सीधा मोटो ब्लॉक करते करते हम पहुंच चुके हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और गेरा पीछे अरेंज है, और अभी जस्ट मैं आया तो जैसे मैंने बाइक रोकी तो इधर चल रही थी प्रैक्टिस, तो हमने कहा क्यों ना हम भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें नहीं लगी। तो अभी हमारे पास है करीब करीब 15-20 मिनट, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ी बहुत ओवे भाई मार दी, तो क्यों ना यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत बॉल डालते हैं, चल खेल। अबे भाई बाउंसर नहीं गई सौर भैया बैटिंग के लिए, वाह हाँ स्लिप में कैच पहली बॉल पे, अभी चौवा पड़ा ना चौवा, देखते हैं। संबंधी मार रहा है, आउट। तो भैया आफ्टर अ हार्ड प्रैक्टिस सेशन हम पहुंच चुके हैं अपने वैक्सीनेशन के लिए, और मेरे सामने है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पे हम वैक्सीनेशन कराएंगे। ये है सामने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पे होगा हमारा वैक्सीनेशन, और ये है बिल्डिंग, और इधर खड़ी है हमारी बाइक, और अभी हुई है बारिश, ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है, हल्की हल्की बारिश हुई है, थोड़ा थोड़ा पानी भर गया, फाइनली बारिश रुक चुकी है, तो अभी हम जाके सीधे कराएंगे वैक्सीनेशन। और ये यानी चले अंकल तो मास्क दे देना, एक
सो दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल, और पता नहीं अंदर अभी वैक्सीनेशन चल रहा होगा या नहीं। आज हमने क्रिकेट भी खेल लिया और अभी हम खेल रहे हैं टेबल टेनिस। वो बात अलग है, टेबल टेनिस वाली टेबल नहीं, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। तो इरा रैकेट और अभी हम खेलेंगे टेबल टेनिस टीटी। अरे यार बस ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता लगेगा हमें इसको सीखने में सही से। ओके ओके ओके, नहीं यार नहीं हो रहा। अबे भाई कहाँ घुस गई। बहुत सही। तो मैच हो रहा है, उस मैच में बॉल पूरे कमरे में जा रही है, पर जहाँ जानी चाहिए मतलब जो मेन टेबल है वहाँ नहीं जा रही, बस बाकी हर जगह जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हमारे खेल में। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके बहुत सही। तो फाइनली जाके मेरा वैक्सीनेशन जो है वो फुली कंप्लीट हो चुका है, और अंदर का मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि अंदर शूट करना अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर का कुछ भी शूट नहीं किया। लेकिन फाइनली वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी हम हैं फुली वैक्सीनेटेड, और अभी से इनके अभी मैं सीधा निकल रहा हूँ घर के लिए। भाई साहब, और मुझे नहीं पता इस कैमरे की अभी का जो फुटेज आ रहा हो कैसा आ रहा हो, क्योंकि इसकी नाइट जो क्वालिटी है वो ऐसी है हल्की फुल्की, तो वो तो घर जाके देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कोई नहीं, जैसा भी होगा ठीक ही होगा। तो अभी हम मिलते हैं आपको सीधे घर पहुंच के। हाँ जी, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8, और इसके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा अपने बारे में बात कर लेते हैं। तो कल क्या सीन हुआ था कि कल हम वैक्सीन लगवा के आए थे, और आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, और वैक्सीन की वजह से थोड़ी सी हमारी जो तबीयत थी वो थोड़ी सी नासाज हो गई थी। इस चक्कर में रात को हम ब्लॉक का एंड नहीं कर पाए थे, तो अभी जाके हम ब्लॉक का एंड करेंगे। और अभी जो आपने थोड़ी देर पहले क्लिप देखी तो क्या थी, तो मतलब ब्लॉक के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो क्या होने वाली है, तो ये है जोलो चिप, काफ़ी ज़्यादा तीखा होता है। तो अभी कुछ दिनों पहले एक चैलेंज चला था, उसमें ये बहुत ही तीखा जो होता है चिप, इसको खाना पड़ता है और चैलेंज टाइप होता है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं फिलहाल, क्योंकि ऐसे करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट या नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, मतलब पूरा ही चैलेंज हो जाएगा। हाँ जी, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सब बढ़िया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स मी सौरभ शर्मा साइनिंग ऑफ। बूम, चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज।